तो पीछे से मैं मार्केट में होते हुए आ गया यहाँ पे। ये पूरा हाईवे को मिलेगा सामने की तरफ। इंडियन का नागरिक होते हुए अपना इंडिया के अंदर में जितना भी स्टेट है घूमना चाहिए ना। हाँ, कोई बड़े बड़े सिंह वाले भी होते हैं। हेलो, हाय। अभी हो गया अपना ब्रंच का टाइम, यही लंच और यही ब्रेकफास्ट। अपना ओट्स हमेशा की तरह दूध का पैकेट लेते हैं, कुछ नमकीन खाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और सुबह का बज गया 6 और अभी है धापो में। रात को शाम को खाना खाने के बाद वीडियो वगैरह नहीं बना क्योंकि अंधेरा हो गया था। खाना खा के फिर सो गए थे। सुबह मॉर्निंग में चले थे वहाँ से 4-4:30 के आसपास, और अभी सुबह 5:30-6 के आसपास यहाँ पहुँच चुके हैं धापो में। अभी बज रहा है 6:30-7 के आसपास टाइम, और अब भैया अपना काम करेंगे और मैं निकलूँगा आलो की तरफ। आलो का सफ़र यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर का होगा। और नज़ारे हैं धापो के, तो भाई ट्रक से निकल के भैया की शॉप पे आ गए हैं। यहाँ पे सामान वामान रखा है। यहाँ से अभी निकलेंगे आलू की तरफ। ये मेन रोड पीछे की तरफ यही आएगा आलू की तरफ। और काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है, धूप भी निकल गई है और मौसम अच्छा है यार, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। देखो मॉर्निंग में भाई 6 बजे ठेका खुल गया। ये है अरुणाचल की खासियत, सस्ता भी मिलेगा और खुला भी मिलेगा 6 बजे। तो भाई शॉप पे रुके थे, भाई साहब चाय पानी लेके आ गए और चाय पानी करते हैं यार। अब फिर गाड़ी पकड़ते हैं यहाँ से, देखते हैं कोई गाड़ी पकड़ के निकलते हैं। भाई धापो की गलियों में शॉर्टकट ढूंढते हुए निकलते हैं हैंगिंग वाले ब्रिज पे, वहाँ से अपना हाईवे पकड़ेंगे आलो की तरफ। इससे अपना शॉर्टकट हो गया, नहीं तो लॉन्ग कट होके जाना पड़ता सीधा मेन रोड से। तो कुछ ऐसा नज़ारा भाई हैंगिंग ब्रिज का। अभी मैं वहाँ से आता उस तरफ से तो पूरा मार्केट क्रॉस करके मेरे को यहाँ आना पड़ता 5-6 किलोमीटर। अभी ये शॉर्टकट था, 1 किलोमीटर हुआ होगा। तो पीछे से मैं मार्केट में होते हुए आ गया यहाँ पे। ये पूरा हाईवे को मिलेगा सामने की तरफ। ब्रिज क्रॉस करा, पीछे एक शॉप थी वहाँ पे भैया लोग बोलते हैं हम इंडिया से नहीं, हम चाइनीज़ है। चाइनीज़ लोग कई लोग आते हैं, चिढ़ाते हैं चाइनीज़ उटपटांग बोलते हैं उनको, इसी मजाक मस्ती कर रहे थे। पूछ रहे थे वीडियो बना के बेचता है क्या चीन पाकिस्तान में, मतलब नहीं मैं तो इंडिया में ही रखता हूँ। हमारे यहाँ के ना सब खेती करते हैं। भाई खराब सड़कों पे एक लिफ्ट मिली है भाई ने दी है 5 किलोमीटर के लिए। अभी रास्ता वैसा ही है, धूल वाला कच्चा वाला, ढूंढ रहे आगे से हाईवे लगेगा अच्छा। चलते हैं, अभी तो लंबा सफर है। मैं अपना फेस दिखा दूँ क्या? हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ, दिख रहा है आपका फेस। वरना हमें भी अच्छा लगता है लोकल लोगों से मिले, जानो रहो खाओ पियो बस। और यहाँ किसी को मैं इसे दिखाई देता अपना उसे लिफ्ट देने के लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम भी ऐसे जाता है ना बिना का नहीं करते, कोई हमें धोखा देता है। हाँ अच्छा है, किसी की मदद करना तो अच्छी बात है। इसके बाद अच्छा रास्ता मिलेगा आपको हाईवे जैसे आपका। धापो जो अरुणाचल कैसे है? मैं ट्रक में आया था रात को, ट्रक में आए थे धापो तक भी। धापो
अभी आलो जा रहा हूँ। आलो? हाँ। मध्य प्रदेश से आप कैसे आया यहाँ अरुणाचल में? मैं ऐसे ही बाय वॉक और फिर लिफ्ट विफ्ट जिसे आप मिल गए तो आपने दे दिया इसे। अच्छी बात है। हाँ। एक इंडियन का नागरिक होते हुए अपना इंडिया के अंदर में जितना भी स्टेट है घूमना चाहिए ना। हाँ। कम से कम इंडिया तो ये देखो भाई मिथुन है, ये मिथुन कहते हैं इसको। और जब ये शादी होती है ना लड़की की यहाँ पे, तो लड़की की शादी में दिए जाते हैं ये, 50-50 तक देते हैं ये, 1-1 लाख तक के, 80-80 हज़ार तक के आते हैं ये। और मतलब यहाँ पे जैसे अपने इधर दहेज में लड़के वाले को देते हैं ना, यहाँ पे लड़के वाले लड़की वालों को देते हैं ये मिथुन। वही बड़े बड़े सिंह वाले भी होते हैं। हेलो, हाय भाई साहब, ने कुछ ऐसी जगह पे लाके छोड़ा है, छोटी लिफ्ट थी, एक डेढ़ किलोमीटर की होगी। वो निकल गए उस तरफ, उनके शादी का फंक्शन है, कुछ तैयारियां चल रही है, मेरे को ऐसे जंगल में खड़ा करा। अच्छा यार, यहाँ पे छाया भी है, कोई गाड़ी आती थी चलते हैं, कम से कम छाया तो मिली। अभी दापो से चला था लगभग 85 से 90 किलोमीटर की भाई ने लिफ्ट दी, और 2 घंटे में आ गया हूँ मैं यहाँ। यहाँ से अभी वो लोग चले गए बसर होते हुए, सीला पत्थर होते हुए अपना क्या बोलते हैं लखीमपुर की तरफ, और मेरे को जाना है इस तरफ आलो। आलो यहाँ से 30 किलोमीटर है, देखो दापो से करीब करीब 94 किलोमीटर का लिफ्ट था, 2 घंटे में आ गया, बढ़िया चलेगी गाड़ी में। और अभी हो गया अपना ब्रंच का टाइम, यही लंच और यही ब्रेकफास्ट, अपना वोट हमेशा की तरह दूध का पैकेट लेते हैं, कुछ नमकीन खाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो वजह है सही टाइम पे मतलब पहुंच गए ऑलमोस्ट, मेरे को लग रहा है अभी यहाँ से 220 है मेचू का, मेरे को लगता है 100 किलोमीटर का सफ़र और आज तय हो गया तो मज़ा आ जाएगा। आलो तो 30 किलोमीटर ही है यहाँ से, देखते हैं कोई गाड़ी। हाँ, आ तो रही है एक गाड़ी, बाकी भरी हुई है ये, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या होता है। सो भाई चल पड़े हैं कट के वहाँ से आलो और बसर के रास्ते से आलो की तरफ, भैया लगभग आधे रास्ते जाएंगे, मतलब 15 किलोमीटर के आसपास जाएंगे, और मेरा सफ़र आलो का यहाँ से 30-35 का है। चलते हैं, अभी आधा सफ़र तय करते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ से आप लोग। असम? बसर। बसर, बसर से मतलब अरुणाचल की है।
आलो के रास्ते में जा रहा था अभी, मैं देखो ऊपर की तरफ ये जो दिख रहा है ना, ये पाइन एप्पल है, छोटा छोटा पाइन एप्पल। बताते कि सीज़न में दो बार आते हैं साल में, एक बार तो गर्मी में आते हैं और एक बार अभी ये दिसंबर में आएंगे, और यहाँ पे और आगे की तरफ पाइन एप्पल मिलेंगे। बाकी तो हम पीछे से आए तो हमने देखे नहीं, पर भैया बता रहे हैं यहाँ पे कि आगे भी है और यहाँ पे भी है। अभी पका नहीं है, दिसंबर तक तैयार होगा। और अगेन फिर गाड़ी का वेट कर रहा हूँ यहाँ से आलू के लिए। आलू लगभग होगा आधा आधा तो आ गए हम लोग। सो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं आलो आलू आलो जो भी बोलते हैं, और अभी इस रास्ते से आया हूँ मैं। दापो से जाना है मेचू का इस तरफ, और आलो है इस तरफ सिटी में। तो ब्रिज पे कुछ दिखाने आया हूँ, देखो ये रिवर कौन सी है तो पता नहीं मेरे को, बट होगी कोई सी। अभी मेचू का यहाँ से है 182, देखते हैं आज कहाँ तक पहुँचते हैं। काइंग 44 में निकल रहा हूँ, काइंग वगैरह तक चले जाएँ आज। अभी बज गया 4 और कहाँ तक पहुँचते हैं देखते हैं, शाम उधर से फिर निकालेंगे। अपना तंबू वम्बू लगा के सो जाएंगे फिर। वो देखो सामने, ये है अपना मेचू का, ये और बोर्ड है सामने चुका हुआ देखी थी। और भी कोई चीज़ है तो भाई आलो की पहली लिफ्ट है ये, आलो से मेचुका वाले भाई मिले। भाई ने पहचान लिया, बोले हिचहाइकर हो क्या? मिला हाँ भाई, बोले आज यहाँ तो यहीं रुक जाओ या फिर पेट्रोल पंप पे सीधा वो अपना तंबू लगा दो। तो मैं वही सोच रहा था, डिस्कशन कर रहे थे हम लोग। मंदिर तो यार टाउन के अंदर है, तो मैंने सोचा आलो के अंदर जाने से कोई मतलब नहीं, अपना ऑन द वे पकड़ते हैं मेचुका वाला, आगे जो भी पेट्रोल पंप होगा या जो भी ऑप्शन बन जाएगा अभी भाई साथ में तो बनाते हैं कुछ ना कुछ और लगा के सो जाते हैं फिर। क्योंकि वैसे ही शाम हो गई है, वही 5 बजने वाला, अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में, देखते हैं क्या है। तो बड़ा क्लास ही कर रहा है, शाम बज गया शाम का 5 और भाई अभी थोड़ा सा आगे आया था, एक भाई मिले थे हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने वाले, जिन्होंने मेरे को यहाँ पे ड्रॉप किया था अपना पेट्रोल पंप पे। ये कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे, पीछे इधर कुछ लोग रहते हैं और यहाँ पे पेट्रोल पंप बना हुआ है। आलो से मेचुका की तरफ जाते हैं तो उसी रोड पे शाम का 5 बजे अंधेरा हुआ है। ये भाई है, भाई बिहार से, एक और भाई है राजस्थान से, अंदर भी एक भाई है वो भी राजस्थान से, और देखते हैं यार थोड़ा बना दिया। देखो भाई दादा बिहार से, भाई साहब राजस्थान से, भाई साहब राजस्थान से, भाई साहब बिहार से, और मैं मध्य प्रदेश से। सब आस पड़ोस वाले हैं हम, यहाँ कोई अरुणाचल वाला कोई ऐसा वाला नहीं है। काका का तो देखने से ऐसे रगड़ते देखने से बता देगा। हाँ बिहार काका तो देखते सीधे सीधे बोलते बिहार। काका को ही बता दिया मैंने, भाई को ही बता दिया मैंने बिहार के। मैं तो घूमते घूमते मेरे को अब वो हो गया, आइडिया हो गया थोड़ा थोड़ा। पहले बोले आप बिहार। हाँ बोले बोले कुछ आप, अरे स्पीच दो, बोले स्पीच दीजिए तुम्हारे बारे में बोलो। हाँ हाँ मेरे बारे में अच्छा बोलो। हाँ अच्छा बोलिए, गलत बोल नहीं नहीं, नंबर वन कंजूस सब आएगा वीडियो में, सोच समझ के बोलना था। बोलो बोलो। हाँ इसके लिए कि एक हमारे ऑलमैन है रविया नाम के, वो इतना कंजूस है खाने में भी जो है कंजूस डिस्टर्ब करता है। नाम पूरा लीजिए। रवि बोला, रवि कुमार, रवि कुमार राजस्थान का रहने वाला, इतना कंचूस है, एक रुपया खर्चा नहीं करता है, मैं मीटर उसका चलाता हूँ, 4 रुपया शॉर्ट होने से बोलता है 10 रुपया लाओ। इनकी बात चल रही भैया, वो जा रहे हैं। हाँ काका कंटिन्यू। अरे वाह काका वाह, आज की फुल स्पीच तेरा नाम। नहीं तो बोलो, बात करो अभी, बात करो क्या तुमने बोला, क्या बोलिया क्या बोले। अरे नो इतना सारे नो, इधर आओ ना, बात करो
मैं इंडियन हूँ, यही आता है। थैंक यू। कब बोला इंडियन? जय हिंद जय हिंद। कब बोला चाइनीज? जय हिंद जय भारत। जय भारत जय हिंद। हो गया, इतना कौन मारा है ये? कल भाई और मैं मेचू को जा रहे हैं, बता दिया मैंने। कल देखो, नहीं नहीं हम कल हो गया। अभी रो देगा, रहने दो बस 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 कर पगले रुला। बस हो गया। क्या नाम क्या है तुम्हारा? मेरा चांदी चांदी दबा हां डगली दबा डांगी दबा। अब मेरा राजवीर पता है तुम्हें कट दे दबा। मैं पूरा फ्लश कर रहा हूं आपको, देखो। सो भाई, आज की नाइट आलू में निकलेगी। अभी बज रहा है रात का करीब 10, और आज के ब्लॉग में इतने ही रखते हैं। कल निकलेंगे मेचुगा की तरफ। यहाँ से मेचुगा के सफ़र 180 किलोमीटर है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना, और शेयर करना मत भूलना। तो कल फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।